आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम द्राक्ष की बात करेंगे। मुनक्का आप लोग सुनते होंगे, खाते होंगे। विटिस विनिफेरा विटेसी फैमिली का प्लांट है और मुनक्के के अंदर छोटे छोटे बीज भी होते हैं और ये जो बीज हैं इनसे भी ये हो जाता है और इसके अंदर भी कई प्रकार के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि रेसवेराट्रोल उसकी रूट्स के अंदर भी पाया जाता है, लीव्स के अंदर पाया जाता है और इनके बीज के अंदर भी पाया जाता है। रेसवेराट्रोल अपने आप में एक हाईली एक्टिव कंपाउंड है मित्रों, जो कि एनाल्जेसिक है, एंटी एजिंग पोटेंशियल होता है उसका, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट का कार्य करता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं और शरीर के शोधन में भी अहम भूमिका उसकी होती है। शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए लॉन्गेविटी को भी बढ़ाने का कार्य करता है। कई प्रकार की एंटी एजिंग कॉस्मोस्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में भी रेसवेराट्रोल को हम लोग डालते हैं। इसके पत्र का जूस का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और कई प्रकार के कैंसर के फास्ट हीलिंग में इसके पत्र का जूस सहायक होता है। एक समय में 5 से 10 ml इसके पत्र का जूस आप सेवन कर सकते हैं। कई प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाला होता है। ट्यूमर्स कहीं बन गया होता है उसको भी ठीक करने में इसके पत्र के जूस आप उपयोग में ला सकते हैं। आपको पता है मित्रों, मुनक्के का उपयोग हम लोग अपने एनर्जी को बनाए रखने के लिए, पके हुए मुनक्के का उपयोग हम शरीर को पोषण देने के लिए उपयोग में लाते हैं। मित्रों, शरीर की वीकनेस को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुनक्का उसके साथ आप मखाना, छुआरा ये सब मिलाकर दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। प्रमेह की समस्या को भी ठीक करता है, शरीर के वीकनेस को दूर करते हुए फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है, शरीर को पोषण देने का कार्य करता है, कोलोन की हेल्थ को, कोलोन के बायोटा को मेंटेन करने का कार्य करता है। कोलोन से जुड़े हुई समस्याएं ठीक हो जाती हैं, कोलोन कैंसर हो चाहे माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो इसके सेवन से ठीक हो जाता है। मुनक्के के अंदर कई प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं मित्रों, वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, एक लिमिट के बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यही मुनक्का जो आप ओबेसिटी के रेमेडिएशन के लिए उपयोग कर रहे थे वो ओबेसिटी को भी कॉज कर देता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ मीठा खाने की भी आवश्यकता पड़ती है तो मुनक्के का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सडनली जब हम डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे होते हैं तो सडनली कई बार ग्लूकोज लेवल हमारा काफ़ी कम हो जाता है, तो उसको एक लेवल पे मेंटेन रखने के लिए आप मुनक्के का उपयोग कीजिए। इसके जो मिनरल्स हैं आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेंगे, इस मीठा होता है ग्लूकोज को मेंटेन करेंगे, इम्यूनिटी को बनाए रखेंगे, एक लिमिट तक इसका उपयोग उत्तम माना गया है। मित्रों, इसकी राख को हम बना लें और राख के साथ हम इसके बनाए हुए सिरके के साथ मिलाकर अप्लाई करते हैं तो डॉग बाइट्स, कुत्ता काटा जहाँ हो वहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। कुत्ते के काटने के बाद जो उसका पॉइजन होता है रेबीज़, उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। इसके पत्र का उपयोग आप वेंस के लिए भी कर सकते हैं, वेंस की समस्याएं, शरीर के अंदर वेंस का ब्लॉक हो जाना, शरीर के नर्वस सिस्टम के लिए भी हम इसके उपयोग में ला सकते हैं। इसके पत्र का पेस्ट बनाकर हम इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए सूजन, रेडनेस, इचिंग और वेरिकोज वेन की समस्या के लिए भी इसके पत्र का पेस्ट बनाकर हम अप्लाई करते हैं। जॉइंट पेन की समस्या भी ठीक करता है, कई प्रकार से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। मुनक्का एक न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देने वाला ही नहीं अभी तो कई प्रकार के एंटी कैंसरस फॉर्मुलेशंस में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। नेचुरल स्वीटनर का कार्य करता है और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी विशेष उपयोगी है। मित्रों, कई प्रकार के मुनक्का के साथ योग हैं जो किडनी डिसऑर्डर्स के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। आप उन योग के साथ मुनक्के को कई प्रकार के डिसऑर्डर्स के निराकरण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग उन न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप इसको कटिंग के माध्यम से, सीड के माध्यम से अपने घरों में लगा सकते हैं, आसानी से ये हो भी जाता है। इसके पत्र का जूस, इसके पके हुए फल, ड्राई होने के बाद जो मुनक्का तैयार होता है
और इसकी रूट्स सभी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। शरीर के शोधन के लिए मुनक्के का उपयोग करते हैं, शरीर की वीकनेस को दूर करने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, पोषण को देते हुए इम्यूनिटी को बनाने का विशेष कार्य करता है। आप अपने उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु आप इसको उपयोग में लाइए। अच्छी जगह से लगे हुए मुनक्के का औषधीय प्रभाव बढ़ जाता है, इन बातों का आप ध्यान रखिए। और अधिक जानकारी के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अवश्य शेयर करें। मित्रों, कोलोन के कैंसर आजकल पैक्ड प्रोडक्ट के कारण बहुत बढ़ गए हैं, तो उससे निराकरण के लिए इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज आपकी ना हो, लीवर एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स आपको ना हो, और कई प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी उनसे होने से बचने के लिए आप मुनक्के का उपयोग अवश्य करते रहें। आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाती है। कफ के निकालने के लिए भी मुनक्के का हम लोग उपयोग करते हैं। कई प्रकार की थ्रॉट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो जाते हैं, उसमें भी हम मुनक्के का उपयोग करते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए तो द्राक्षासव का उपयोग किया जाता है, जो भूख नहीं लग रही होती है तो भूख को बढ़ाने का कार्य करता है, डाइजेशन की समस्या को ठीक करता है। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इसके औषधीय उपयोग हैं मित्रों, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी को कवर करना आसान कार्य नहीं है। ये जो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अवश्य शेयर करें। साइंटिफिकली इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा, एक्सेस मात्रा में आप कुछ भी लेते हैं तो नुकसान अवश्य करेगा। आप लगातार एक महीने तक इसका सेवन करते हैं, उसके बाद कम से कम एक हफ्ते का ब्रेक अवश्य करें, ताकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी भी बनी रहे और आपकी बॉडी का एसिमिलेशन भी मेंटेन रहे। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेलीफोनिकली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। आपकी अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नई चर्चा के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।